जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें ये फिगर दिया गया है और हमें यहाँ पर प्रूव करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ओके, यानी कि देखिए हम फिगर पे चलते हैं एक बारी। ए बी डी समरूप है किसके? ई सी एफ के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी। ओके, देखो ए बी बराबर है ए सी। उसके बाद कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के, क्योंकि जब सामने वाली भुजाएं बराबर हो गई तो इनके कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कोण ए बी डी बराबर है कोण ई सी एफ के, क्योंकि देखो ई जो है ये ई है, ये लंबाई हुई बाजू है किस पर? सी बी पर, और एफ जो एफ है ये इस बाजू पर एक बिंदु है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में ई, ये लंबी की हुई है सी बी पर। ठीक है, बाजू लंबी की हुई है बाजू, यहाँ बाजू लिखेंगे सी बी पर, और एफ, और एफ ये बाजू ए सी पर। देखो ये बाजू जो ये एफ है ये ए सी पर एक बिंदु है। ठीक है, ए सी पर बिंदु है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी लंब बी सी। जो ए डी है ये लंब किस पर है? बी सी पर। देखो यहाँ पे निशान है, इसका मतलब ये लंब है, इसलिए कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये देखिए निशान है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद ई एफ लंब है ए सी पर, ये ई एफ लंब है ए सी पर, तो ई एफ सी, ई एफ सी कोण ई एफ सी हो गया 90 डिग्री। ये जो निशान है ये 90 डिग्री का निशान है। अब यहाँ हम कर देंगे त्रिभुज ए बी डी, ये डी है यहाँ पर, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में जो जो चीज़ें बराबर है वो सभी लिख देंगे। कोण ए बी डी बराबर है कोण ई सी एफ के। देखो यहाँ पे हमने पहले प्रूव कर दिया है ये। उसके बाद कोण ए डी बी बराबर है कोण ई एफ सी, ई एफ सी बिकॉज ये समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का। तो इस तरह से एंगल एंगल शरत के अनुसार, एंगल एंगल शरत के अनुसार हमारा प्रूव हो चुका है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दो आकृति दी गई हैं और हमें ये साबित करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, यानी कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो इनमें जो जो चीज़ें बराबर है वो हम लिखते जाएंगे, इस तरह से अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। ठीक है,
ए बी बटे पी क्यू, देखो ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, बी सी कहाँ है देखो, बी सी बटे क्यू आर, उसके बाद ए डी अपॉन पी एम, ए डी, ए डी कहाँ है हमारा, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया है, ओके, यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे करेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी क्या है, आधा है बी सी का, आधा है बी सी का, देखो ए बी, ए बी आधा है किसका, बी सी का, ठीक है, और पी क्यू आधा है किसका, क्यू आर का, ठीक है, तो ये हो जाएगा बीस, आधा बी सी, आधा बी सी का मतलब ए डी हो जाएगा, यानी कि ये ए डी, बिकॉज ये इसके सामने है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम, आधा क्यू आर, क्यू आर आधा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा पी एम, त्रिभुज ए बी डी में ए डी, ए डी क्या है देखो, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ए डी एक मध्यिका है, क्या है, मध्यिका, मतलब कि मध्यिका का मतलब है दो हिस्सों में बांट रही है ये इस त्रिभुज को, बी डी बराबर डी सी, ठीक है, तो आधा बी सी बराबर हो गया बी डी, आधा बी सी, आधा बी सी, यानी कि ये हो गया हमारा बी डी, ठीक है, उसके बाद त्रिभुज पी क्यू आर में आधा क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एम के, देखो आधा क्यू आर, क्यू आर, आधा क्यू आर हो जाएगा किसके बराबर, क्यू एम के, क्योंकि ये आधा हिस्सा है, बिकॉज पी एम यहाँ पर एक मध्य का है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रूव हो चुका है, साइड 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 शरत अनुसार, क्योंकि दोनों में ही, दोनों ही त्रिभुज में यहाँ पर दोनों की साइड्स एक दूसरे के समरूप हैं, कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एम, कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर। तो यहाँ पर हमें क्या बताना था, देखो यहाँ पर हमें बताना था कोण किसके बटे में है, तो ए बी, ए बी बटे पी क्यू, दोबारा लिख देंगे यहाँ पर, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ये देखो, ठीक है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, और त्रिभुज ए बी सी, सॉरी कोण ए बी सी समरूप है कोण पी क्यू आर के, जो कि हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर, हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, जो भी हमें सिद्ध करना है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणा सी डी, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, त्रिभुज सी डी ए, त्रिभुज सी डी ए और त्रिभुज सी ए बी में, सी ए बी में, सी डी ए, देखो सी डी ए, एक बारी इस तरफ से ले लिया और एक बारी सी ए बी में, यानी कि एक बार ये छोटा वाला ले लिया और एक बार ये पूरा ले लिया, सी ए बी, ठीक है, इसमें जो जो चीज़ें बराबर हैं वो हम लिख देंगे, सबसे पहले कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है, देखो ये रहा, ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर है कोण
कोण बी सी ए के, क्योंकि एक ही कोण है, एक ही कोण। देखो ए सी डी, ए सी डी बराबर है बी सी ए के। एक बार इस तरफ से एंगल लेके आ रहे हैं और एक बार ही इस तरफ से एंगल लेके आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखो एक ही कोण है, ठीक है। यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, तो एंगल एंगल शरत अनुसार सी डी अपॉन सी ए, सी डी देखो सी डी अपॉन सी ए, एंगल एंगल की बात हो रही है, सी डी अपॉन सी ए बराबर सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी। यहाँ पर एंगल एंगल की बात हुई और यहाँ पर भुजा भुजा की बात हुई, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे हम लिख देंगे सी बी, सी बी गुणा, यहाँ पे तिरछी गुणा, सी डी बराबर सी ए गुणा सी ए, गुणा लगा देते हैं, यहाँ पर भी तिरछी गुणा और यहाँ पर भी तिरछी गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर और ये हो जाएगा सी बी गुणा सी डी। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, जो कि प्रूव हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दो आकृति दी गई हैं और इसमें हमें पूछा बताया गया है कि साबित करो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। देखो ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। अब देखने से तो ये समरूप लग रहे हैं लेकिन हमें इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए डी मध्यगा है, ए डी मध्यगा है। मध्यगा का मतलब है देखो ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है, किसको, ए बी सी को ए डी दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो इसे कहते हैं मध्यगा। इसलिए हम लिख देंगे बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी, क्योंकि ए डी मध्यगा है और इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो ये दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। तो ए ई हो जाएगा यहाँ पर ए ई बराबर टू ए डी। देखो ए ई कहाँ है हमारा, ये ए ई है और यहाँ पर ये इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, कौन, बी सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ई बराबर दुगना ए डी के, किसके, दुगना ए डी के, ठीक है। अब चतुष्कोण, चतुष्कोण ए बी ई सी, ए बी ई सी, देखो ए बी ई सी की बात हो रही है, विकर्ण, कौन कौन से विकर्ण हैं, ए ई और बी सी, बी सी परस्पर दुभागे छे, परस्पर परस्पर दो भाग करते हैं। देखो ए ई और बी सी कहाँ पर है, ए ई और बी सी ये दो भाग करते हैं, किसके, ए बी ई सी के, ठीक है। तो ये एक समांतर बाजु चतुष्कोण है बी ई बराबर ए सी, सामने की भुजा, सामने की भुजा, ठीक है। ए बी बी ई बराबर ए सी, देखो बी ई बराबर ए सी यानी कि ये सामने की भुजा है, इसलिए दोनों यहाँ पर बराबर है, ठीक है। अब चलते हैं हम त्रिभुज पी क्यू, सॉरी त्रिभुज ए बी सी, अब चलते हैं हम चतुष्कोण पी क्यू एन आर में, चतुष्कोण पी क्यू एन आर में, इसमें जो जो चीज़ें बराबर हैं हम सभी को लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो क्यू एन, सॉरी ये एन है, बराबर
पी आर क्यू बराबर है क्योंकि सामने की भुजाएं हैं, क्यू एन निशान डाल देती हूँ, बराबर पी आर सामने की भुजा, ठीक है। उसके बाद ए बी बटे पी क्यू, देखो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी कहाँ है, ए सी बटे पी आर। उसके बाद ए डी अपॉन पी एम, ए डी कहाँ है, ए डी अपॉन पी एम, ये हमें यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ए सी ई त्रिभुज ए सी ई समरूप है त्रिभुज पी आर एन के, लेकिन अभी हमें साबित करना है ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो हम इसे साबित कर देंगे यहाँ पर, बिकॉज देखो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, ये हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है, यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है। और कोण बी ए सी, बी ए सी बराबर है कोण क्यू पी आर के, बी ए सी, बी ए सी बराबर है कोण क्यू पी आर के, तो ये हमारा यहाँ पर साइड एंगल साइड शरत अनुसार प्रूव हो चुका है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दो आकृति दी गई हैं, ठीक है, इसमें हमें बताना है मीनार की ऊंचाई, हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, हमें इसकी ऊंचाई यहाँ पर निकालनी है। क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। कोण सी, कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, देखो ये कोण सी है और ये बराबर है कोण आर के, ठीक है, और कोण सी, कोण सी और कोण आर ये उत्सेधन कोण है, उत्सेधन कोण है, उत्सेधन कोण है यहाँ पर ये। और उसके बाद त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में जो जो चीज़ें बराबर है वो सभी हम लिखते जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में कोण सी बराबर है कोण आर, तो कोण बी बराबर, देखो कोण बी बराबर है कोण क्यू, कोण क्यू हम लिखेंगे यहाँ पर सम कोण, ओके। उसके बाद एंगल एंगल शरत अनुसार त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी बटे पी क्यू, देखो ए बी बटे पी क्यू, उसके बाद बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, तो ए बी कितना है यहाँ पर छः, ठीक है, पी क्यू हमें नहीं पता, बराबर बी सी है यहाँ पर फोर और क्यू आर है यहाँ पर कितना अट्ठाईस, ये देखो क्यू आर है हमारा अट्ठाईस, अब इसे हम तिरछी गुणा कर देंगे इस तरह से, तो अट्ठाईस को छः से कर देते हैं, अट्ठाईस गुणा छः बराबर पी क्यू को फोर से कर दो, पी क्यू गुणा फोर, अब यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, अट्ठाईस गुणा छः ये पी क्यू को यहीं छोड़ देंगे
और ये जो गुणा हो रहा है ये इस तरफ आके भाग हो जाएगा। अभी इसे काट देंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 7 गुणा 6, 6 सत्ते 42, यानी कि पी क्यू हमारा कितना आ गया 42। पी क्यू, ये पी क्यू हमारा आ गया 42। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आप सिद्ध करो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम। बहुत ही इजी सम है, दो आकृति दोनों एक जैसी हैं, उनको हमें समरूप बताते हुए इस लाइन को हमें प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी सी, यहाँ से कर देती हूँ, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जो जो चीज़ें बराबर हैं सबसे पहले हम वो लिख देंगे, ए बी, ए बी अपॉन पी क्यू। देखो ये ए बी है यहाँ पर, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए बी है आधा बी सी का, आधा बी सी का। देखो ये बी सी है, इसका आधा है, ए बी का आधा है, किसका, ए बी का आधा है, क्योंकि जो ए डी है ये मध्य का है और इन दोनों को ये बराबर हिस्सों में बांट रही है, इसलिए हम लिख देंगे ए बी, ए बी को हम लिख देंगे बराबर आधा बी सी, आधा बी सी के बराबर। ठीक है, इसी तरह से पी क्यू 1/2 क्यू आर, पी क्यू हो जाएगा, देखो पी क्यू हो जाएगा हमारा आधा क्यू आर का, क्योंकि पी एम जो है मध्य का है और ये इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम, आधा बी सी, आधा बी सी है बराबर बी डी के, देखो आधा बी सी बराबर किसके है, बी डी के, क्योंकि ये दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, यहाँ पर भी दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, तो ये हो जाएगा आधा क्यू आर, आधा क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एम के। ठीक है, आधा आधा हिस्सा लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्यों आधा आधा हुआ, उसका रीज़न देना पड़ेगा, ए डी और, ए डी और पी एम, पी एम ये त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की मध्य का है, इसलिए तो दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, देखो ए बी सी बराबर है पी क्यू आर के, तो कोण ए बी डी बराबर है कोण पी क्यू एम के, देखो ए बी डी, ए बी डी बराबर है पी क्यू एम के, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी डी और कॉमा पी क्यू एम में, ए बी डी, ए बी डी और पी क्यू एम में जो जो चीज़ें बराबर है वो हम लिख देंगे यहाँ पर, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है, और कोण ए बी डी बराबर है कोण पी क्यू एम के, कोण ए बी डी बराबर है कोण पी क्यू एम के, यानी कि बी बराबर है कोण क्यू। ठीक है, तो साइड एंगल, साइड शरत अनुसार, साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, शरत अनुसार त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, और ए बी
अपॉन पी क्यू बराबर है ए डी अपॉन पी एम। यही हमें प्रूव करना था, जो यहाँ प्रूव हो चुका है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।